हेलो, आज हम अध्याय आजीविका के भाग एक पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आजीविका और विभिन्न प्रकार के किसानों पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आजीविका के अर्थ से। अर्थात आजीविका से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, कोई व्यक्ति जीवन के विभिन्न कला विधियों में जिस क्षेत्र में काम करता है या जो काम करता है, उसी को उसकी आजीविका या वृत्ति या रोजगार या कैरियर कहते हैं। बच्चों, आजीविका प्राय ऐसे कार्य को कहा जाता है जिससे कोई व्यक्ति अपना जीवन का निर्वाह करता है, जैसे कि शहरों में शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वहीं पे गांव में कुम्हार, कृषि, मटका बनाने का काम आदि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम अपनी चर्चा आजीविका पे जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आजीविका के प्रकार। तो बच्चों, मुख्यतः आजीविका जो है दो प्रकार का होता है। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः भारत की ज्यादातर जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। हमारे झारखंड राज्य में भी जनसंख्या का बड़ा भाग गांव में ही रहता है। बच्चों, गांव वाले लोग, हालांकि उनकी जो प्रधान आजीविका के साधन है वो कृषि है, इसके अलावा वो विभिन्न कार्य भी करते हैं, जैसे कि आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि गांव में और लोग क्या-क्या काम करते हैं या उनका पेशा और क्या-क्या होता है। तो बच्चों, इसके अंतर्गत बागवानी, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन बनाना, लोहे के औजार बनाना, दुकान चलाना आदि जैसे कार्य आते हैं। अतः ये सभी ग्रामीण समुदाय के अंग हैं। और जो आजीविका का दूसरा प्रकार है वो है शहरी क्षेत्र में आजीविका, जिसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा को आजीविका पे जारी रखते हुए अब हम ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका पे अध्ययन करेंगे। बच्चों, बात हम करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अंतर्गत जो है वो खेती और बागवानी, ये दोनों को शामिल किया जाता है। बच्चों, खेती के अलावा गांव में लोग पशुपालन करके, मिट्टी के बर्तन बना के, लोहे का औजार बना के और दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा आजीविका पे जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे गांव में विभिन्न प्रकार के किसान पर। बच्चों, हमारे देश के गांव में सभी किसानों की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। तो किसान जो है वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, बड़े किसान, छोटे किसान और मध्यम वर्गीय किसान। जब हम बात करते हैं कि बड़े किसान की, अर्थात बड़े किसान के अंतर्गत कौन आते हैं, तो बच्चों वे किसान जिनके पास 5 हेक्टेयर से अधिक जमीन होती है उन्हें बड़े किसान कहा जाता है। उसी प्रकार छोटे किसान के अंतर्गत वो किसान आते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो, और मध्य वर्गीय किसान के अंतर्गत 5 हेक्टेयर से कम तथा 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसान आते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको मैं थोड़ी ये बात बता दूं कि हेक्टेयर भूमि मापने की इकाई है और 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 वर्ग मीटर होता है। चलिए अब हम
आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा विभिन्न प्रकार के किसानों पे जारी रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम बड़े किसान से। बच्चों, ज्यादातर भारत में छोटे और मध्यवर्गीय किसान ही मिलते हैं, अर्थात भारत में सिर्फ 20% ही बड़े किसानों की संख्या है। बड़े किसान जो है वो अपनी जमीन पे खुद खेती नहीं करते हैं, अर्थात वो अपने जमीन पे दूसरों से खेती करवाते हैं। तो वो दूसरों से खेती कैसे करवाते हैं? वो दूसरों से खेती दो प्रकार से करवाते हैं, या तो विभिन्न खेतिहर मजदूरों से और नहीं तो भूमिहीन किसानों को अपनी जमीन पट्टेदारी पे देके, और इसके बदले वो मजदूरी के रूप में उन्हें नगद या अनाज देते हैं। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा विभिन्न प्रकार के किसानों पे जारी रखते हुए बड़े किसानों पे और गहरी चर्चा करते हैं। बच्चों, ये जो बड़े किसान होते हैं, ये खेती के अलावा अन्य व्यावसायिक फसलें भी उगाते हैं, जैसे कपास, गन्ना, कहवा आदि। बात अगर अनाजों की करें तो ये मुख्यतः अनाज में धान, गेहूं, मक्का आदि का उत्पादन करते हैं। बच्चों, ये क्या करते हैं कि अपने परिवार के भरण पोषण के आवश्यकता के अनुसार ये जो अनाज है वो अपने पास रख लेते हैं और जो बाकी का है उसे बाजार में बेच देते हैं, और इससे प्राप्त जो रुपए होते हैं उससे वो अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और बचे हुए कुछ पैसों को वो अगले साल बीज और खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए रख लेते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम विभिन्न प्रकार की किसानों की चर्चा को जारी रखते हुए बड़े किसान के अब आय के अन्य स्रोत पे चर्चा करेंगे। बच्चों, कुछ बड़े किसान कृषि के अलावा कुछ कृषि पे आधारित उद्योग जैसे चावल मिल और चीनी मिल संचालित करते हैं। यह इनकी आय की अतिरिक्त स्रोत कहलाती है। इसके अलावा बड़े किसान ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसे आधुनिक उपकरण खरीदकर उसे किराए पे चलवाते हैं। ये भी इनके आय के अतिरिक्त स्रोत में ही आता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये इन सब चीजों को खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाते हैं। तो बच्चों, ये पैसे ये बैंक से ऋण अर्थात कर्ज के रूप में उठाते हैं, और अगर हम बात करें इनके परिवार में बच्चों की, तो इनके बच्चे प्राय शिक्षा के लिए स्कूल में या शहरों के स्कूल में जाया करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम विभिन्न प्रकार के किसानों की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम मध्यवर्गीय किसान की चर्चा करेंगे। बच्चों, मध्यवर्गीय किसान जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, वो होते हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम और 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनें होती हैं। मध्यवर्गीय किसान जो है कृषि का कार्य जो है वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलके करते हैं, पर कभी कभी वो मजदूरों से भी करवा सकते हैं। बच्चों, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इनके पास मात्र एक ही साधन होता है, वो है कृषि का उत्पादन। खेती के लिए ये परंपरागत औजार जैसे हल बैल का यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, पर कभी कभी ट्रैक्टर किराए पे लेके भी ये खेती करते हैं या खेतों की जुताई करते हैं। बच्चों, ये किसान जो हैं ज्यादातर फसल में धान, गेहूं, जौ, चना और सब्जियां उपजाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और विभिन्न प्रकार के किसानों पे चर्चा को जारी रखते हुए अब हम छोटे किसान पे चर्चा करेंगे। बात हम करते हैं छोटे किसान की, अर्थात जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है या नहीं है, तो
तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि छोटे किसानों की स्थिति अच्छी नहीं होती है। ये ज्यादातर बड़े किसानों के खेतों में पट्टेदारी पे खेती करते हैं। पट्टेदारी खेती, ये आखिर होता क्या है? पट्टेदारी खेती में जब कोई किसान किसी दूसरे के जमीन पे एक निश्चित शर्त पे खेती करता है तो इसे पट्टेदारी खेती कहते हैं। शर्त उत्पादन के हिस्से या नगद पे आधारित होता है। तो बच्चों, ये जो छोटे किसान होते हैं वो पट्टेदारी की खेती करते हैं, क्योंकि इनके पास अगर जमीन होती भी है तो वो इनकी संख्या ज्यादा होती है तो इतने में बढ़ जाती है कि वो उस पे खेती कर ही नहीं पाते। और कभी-कभी ये जो है पारिवारिक भरण पोषण के लिए, अर्थात जब गांव में खेती का समय नहीं होता है तो अपने परिवार को चलाने के लिए ये शहरों में पलायन कर जाते हैं। ये पलायन इनका जो है वो कभी कभी स्थायी भी होता है और कभी कभी अस्थायी भी होता है। बच्चों, इनके जो बच्चे हैं वो ज्यादातर स्कूल में पढ़ते हैं, अर्थात गांव के ही स्कूल में पढ़ते हैं, तथा बीमारी की स्थिति में गांव के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सहारा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम भारत में कृषि की स्थिति पे चर्चा करते हैं। बच्चों, भारत में कृषि का कार्य अभी भी वर्षा पे ही ज्यादातर निर्भर होता है। जो हमारे छोटे एवं मध्य वर्गीय किसान हैं, वो पूरी तरह से वर्षा पे निर्भर होते हैं, जबकि बड़े किसान सिंचाई के साधन जैसे तालाब, डीजल पंप, कुआं, बिजली पंप आदि की व्यवस्था कर लेते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम खेतिहर मजदूर पे चर्चा करेंगे कि खेतिहर मजदूर बच्चों वो होते हैं जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती। इनके पास सिर्फ रहने के लिए एक कच्चा मकान ही होता है। बात करें हम इनकी संख्या की, तो 5 ग्रामीण परिवारों में 2 परिवार खेतिहर मजदूर का ही होता है। ये अपनी जरूरतों के लिए बड़े किसानों के खेती में मजदूरी का काम करते हैं, जैसे कि खेत तैयार करना, बुआई करना, रोपाई करना, निराई एवं कटाई करना। बच्चों, जब गांव में खेती का सीजन खत्म हो जाता है तो ये कि जो किसान है वो अपने ही गांव में संचालित ईंट भट्टों पे कार्य करते हैं और कभी-कभी ये सीजन समाप्त होने पे अपने जीवन यापन के लिए काम की तलाश में शहरों में पलायन कर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने चर्चा की आजीविका तथा विभिन्न प्रकार के किसान पे। इसका रेफरेंस है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रामीण समुदाय के पेशेवर सदस्य तथा शहरी आजीविका पे। तब तक के लिए धन्यवाद।